नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको, अगर आपकी सुजुकी एक्सेस ठीक से चालू नहीं हो रही है या आपके स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं आ रहा है, तो सीडीआई यूनिट और इग्निशन कॉइल रिप्लेस करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये दोनों रिप्लेस किए बिना आपकी बाइक ठीक हो सकती है और इससे आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा पैसा बचाइए खुद के रिपेयर करके, और बेल आइकन का दबाएं मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बाइक कोई लेके गिर गया और अभी ये चालू नहीं हो रही है, तो इसका स्पार्क प्लग मैंने पहले निकाला है। अब मैं इसका चेक करूँगा स्पार्क ठीक से आ रहा है या नहीं। तो देखते हैं ठीक से स्पार्क आ रहा है या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं कि मेरा स्पार्क नहीं आ रहा है, तो वही रीज़न है ये बाइक चालू क्यों नहीं हो रही। वो तो इधर मैं ये प्लग निकाल के देखूंगा ठीक से कनेक्शन हो रहा है या नहीं। प्लग निकाल के मैं फिर से स्टार्ट करके देखूंगा स्पार्क आ रहा है या नहीं, क्योंकि इसको भी ऐसा स्पार्क आना चाहिए। तो इसको भी स्पार्क नहीं आ रहा है, तो अभी देखना पड़ेगा फॉल्ट किधर है वो। तो पहले मैं चेक करूंगा इग्निशन कॉइल, और इग्निशन कॉइल जो है वो इधर अंदर रहता है और बहुत ही मुश्किल रहता है वो निकालने के लिए। फिलहाल मैं देखता हूँ क्या होता है वो। अभी एक्सेस का इग्निशन कॉइल जो है वो इधर रहता है, अगर आप देख सकते हैं तो, और उसको रहते हैं दो बोल्ट। वो दोनों बोल्ट निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल है उधर पहुंचने के लिए। तो इधर मैं आपको एक नज़दीकी व्यू दूंगा इग्निशन कॉइल का। तो इधर आप देख सकते हैं, अभी इधर आगे का पैनल मैंने निकाला है सीडीआई यूनिट के वायर्स चेक करने के लिए। अभी कौन सा भी पार्ट निकालने से पहले मैं ये सब वायर्स फिर से हिला के अच्छी तरह से चेक करूँगा ठीक से कनेक्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी लूज़ कॉन्टैक्ट होके भी स्पार्क नहीं आ सकता है। बाइक पहले बहुत अच्छी चल रही थी, सिर्फ एक थोड़ा गिर गई है, तो मुझे लगता है लूज़ कॉन्टैक्ट हो गया है किधर भी। तो इधर सब मैं वायर्स पहले हिला के चेक करूँगा। इधर इग्निशन कॉइल को एक वायर कनेक्टेड रहता है, उसको अच्छी तरह से हिलाइए और प्रेस कीजिए ताकि लूज़ कॉन्टैक्ट ना हो। अब मैं स्पार्क चेक करने के लिए गाड़ी चालू करके देखूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे वायर को ऑलरेडी स्पार्क आने को चालू हो गया है। अब मैं इसको स्पार्क प्लग कनेक्ट करके फिर से चेक करूंगा स्पार्क प्लग को स्पार्क आता है या नहीं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरा स्पार्क प्लग को ऑलरेडी स्पार्क आने को चालू हो गया है। तो अब मैं सब कनेक्शन फिर से करके गाड़ी चालू करके देखूंगा। तो ऐसा ही दोस्तों, कुछ मैकेनिक आपको पार्ट्स गए हुए हैं ऐसे करके आपको बहुत चार्ज कर सकता है बिना पार्ट्स डाले हुए। अगर आपने खुद का ट्रबल शूटिंग किया तो आप देखिए, कुछ पैसे मैंने इधर खर्च नहीं किए, सिर्फ वायर्स जो है वो ठीक से कनेक्ट किए हैं, थोड़े टाइट किए हैं, और इससे मेरा स्पार्क आने को चालू हो गया। तो ऐसे आप बहुत पैसा खुद के चेकिंग करके बचा सकते हैं। तो इधर मेरा स्पार्क प्लग डाल के हो गया है, अब मैं गाड़ी चालू करके देखूंगा स्टार्ट होती है या नहीं। तो ये हो गई मेरी गाड़ी चालू। अगर आप मेरे और भी वीडियो देख के बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो इधर साइड में मैंने लिंक डाल दिया है, उधर जाके आप मेरे सब वीडियो देख के बहुत सारा पैसा बचाइए। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।